हेलो गाइस, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर डेली एनालिसिस करके आप अपनी ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था, पर मैंने सुबह सुबह आपको लेवल प्रोवाइड करवा दिए थे जो कि बड़े काम आए। मैंने आपसे सुबह जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, मैंने उसके अंदर अपडेट किया था कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग है, तो अगर मार्केट 35,200 के नीचे जाता है तब आपको ट्रेड लेनी है, और 35,450 के ऊपर जाता है, कोई कैंडल क्लोज़ करती है, तब आपको जाकर वहाँ पर ट्रेड करनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो इसके अंदर आपको ये 15 मिनट की पहली कैंडल है, ठीक है। जब इसने अपने EMA के नीचे क्लोजिंग दी, 50 EMA ये है ग्रीन वाला और 200 EMA है ब्लैक वाला, इसके नीचे जब क्लोजिंग आई यहाँ पे, तो एक तो आपने अगर मेरी EMA की वीडियो देखी हो तो उसके मुताबिक एक अच्छा चांस था आपके पास नीचे ट्रेड लेने का। और जैसे कि मैंने कहा था कि 35,200 के नीचे जैसे आता है, जो कि ये 197 के आसपास क्लोजिंग दी है, और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वीक कैंडल भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी थी। एक बार को आपको यहाँ पर इस वाली कैंडल पर आपको थोड़ा सा खून सूख गया होगा कि शायद यहाँ पर स्टॉप हिट ना हो जाए, पर इसने जब एक बात बताओ, जब इसने 50 EMA के नीचे आके क्लोजिंग दी है, अगर इसको रिवर्सल वापस करना है तो इसको 50 EMA को वापस क्रॉस करना पड़ेगा। पर जब तक वो क्रॉस और क्लोज दोनों नहीं करता तब तक आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हुआ, इसने ऊपर तो गया पर यहाँ पे उसके नीचे ही आगे दोबारा क्लोजिंग दे दी और आप फिर नीचे तक के टारगेट्स आराम से मिल गए। सिंपल यही होता है 50 EMA और 200 EMA कॉन्सेप्ट। बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने, उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं, तो आपको बेसिक ट्रेडिंग करना आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आपके पास एक चांस था मार्केट में ट्रेड लेने का। फिर मार्केट में पूरे दिन क्या हुआ आइए देखते हैं। फिर मार्केट में एक तरह से कंसोलिडेशन रहा, ये फिर से ऊपर गया था 50 EMA को टच करके, फिर दोबारा से वो नीचे आ गया। बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है और अपने 200 EMA के आसपास ही इसने अब सपोर्ट लिया है। तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए, आगे के लिए लेवल्स मैं बताता हूँ आपको। अगर इसे अब मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना है, अगर अब मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर से 35,200 को ऊपर की साइड क्रॉस करना पड़ेगा। 35,200 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 50 EMA है इसका मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज बड़ा अच्छे तरह से काम करते हैं जब मार्केट को एक साइड में जाना हो। तो अगर 35,200 को क्रॉस करता है, जो कि 50 EMA के पास में ही है, तो आपको एक अच्छा टारगेट मतलब ऊपर मिल सकता है। अच्छे टारगेट से मतलब ये होता है कि ऑप्शंस के अंदर आपको 20 से 30 पॉइंट्स मिल जाए, इनफ होते हैं। ओके, और अगर इसको नीचे की साइड आना है तो इसकी लास्ट स्विंग क्या है ये देखिए आप, इसकी लास्ट स्विंग लगभग ये है। सो आप ये मान सकते हैं कि अगर 34,900 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है, क्या कहा मैंने, अगर 34,900 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तब जाके आपको नीचे के साइड ट्रेड लेनी है। अदरवाइज आपको 34,900 से लेकर 35,200 तक ट्रेड नहीं करनी है, ये 300 अंक तक आपको ट्रेड नहीं करनी है, और 35,200 के ऊपर ट्रेड करनी है और 34,900 के नीचे ट्रेड करनी है। सिंपल है, जहाँ भी आपको कोई कैंडल क्लोज मिल जाए स्ट्रॉन्ग वाली, तब आपको वहाँ पे 20 से 30 पॉइंट्स के लिए वहाँ पे अपना टारगेट लेना है। इनफ है, और काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिंक सब नीचे हैं, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, या फिर कोई सी भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो मैं आपको वो तुरंत टेलीग्राम पे पोस्ट कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने में कुछ टाइम लग जाता है और वो चीज़ मैं हाथ के हाथ अपडेट नहीं दे पाता जो कि मैं टेलीग्राम पे दे सकता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एक अपडेट मिलती रहे हर वक्त। ओके, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, आज भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इनसाइड कैंडल बेसिक ट्रेड आउट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक करना बनता है, और कमेंट भी। ओके, बाय।